नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास सिक्स्थ का वर्कशीट नंबर 13 करने जा रहे हैं। इसमें पूर्णांकों की तुलना की जाती है। पूर्णांक आपको बताया था, पहले ही बताया था, जो क्या होता है, जो पहले प्राकृतिक संख्या, एक बार और करते हैं, प्राकृतिक संख्या जो एक से लेकर अनगिनत तक होती है, 1, 2, 3, 4 प्रकृत से ली गई है, और पूर्ण संख्या पहले 1 से लेकर 9 तक हुआ, फिर उसमें 10 के लिए 0 की आवश्यकता हुई, तो 0 आ जाने से उसका परिवार पूरा हो गया, तो इसलिए पूर्ण संख्या बनी। तो यानी 0 से शुरू होकर के 0, 1, 2, 3, 4 होता है। अब इस तरह से पूर्ण संख्या बनी, और फिर उसमें पूर्णांक क्या होता है, माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक होता है उस पूर्णांक, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे यह संख्या रेखा पर दिखाया गया है, ये 0 है, 0 के बाद इधर पॉजिटिव धनात्मक संख्या, इधर ऋणात्मक संख्या होती है, तो ये सारे दोनों ओर अनंत तक खींचा जा सकता है, तो इसलिए ये क्या होता है, दोनों ओर अनंत होता है, न इसकी शुरुआत होती है न अंत होती है। ठीक है, अब हम इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें यह दिया गया है, अगर हम दो धन पूर्णांकों की तुलना करें, तो जिसका संख्यात्मक मान अधिक होगा तो वो अधिक होगा। धनात्मक पूर्णांक यानी जिसका दोनों पॉजिटिव हो, तो जो जिसका ज़्यादा वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा, ये पहले से पता है। अब जैसे 64 में 64 का वैल्यू ज़्यादा है, 34 का कम है, तो 64 ज़्यादा हुआ, इसलिए चिन्ह है। लेकिन अगर दो ऋणात्मक पूर्णांकों की तुलना की जाती है, तो जो पूर्णांक छोटा होता है वो बड़ा होता है, जिसका पूर्णांक छोटा होगा जिसके संख्यात्मक मान अधिक है, जिसका संख्यात्मक मान अधिक है और वो पूर्णांक में छोटा होगा। अब यानी उल्टा हो जाता है, यहाँ पे -20, -65 और -45, यानी 45 रुपये उधार के और 65 रुपये उधार के, तो कौन ज़्यादा अधिक है, तो 45 रुपये उधार के ज़्यादा हैं 65 रुपये उधार के, यानी ये उल्टा हो जाता है, ये 65 तो ज़्यादा है लेकिन उधारी में मतलब कर्ज में ये वाला ज़्यादा उससे बढ़िया स्थिति में है, तो उल्टा हो जाता है, जिसका संख्यात्मक मान ज़्यादा होता है वो कम होता है। अगर हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक की तुलना करें तो हमेशा धनात्मक ही बड़ा होगा, यहाँ पे एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो हमेशा धनात्मक ही बड़ा होगा। 0 सभी धनात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांक से, 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है, सारे नेगेटिव ख़त्म होने के बाद 0 आता है, और तो यहाँ पे नेगेटिव होता है इधर, और इधर पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, तो और 0 सभी धनात्मक पूर्णांकों से छोटा होता है। यहाँ पे तुलना की बात की गई, मतलब संख्या रेखा पर दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है, जो संख्या रेखा पर 0 जो है, 0 के बाद 1, 2, 3, 4 इस तरह से ये धनात्मक मान बढ़ता जाता है, और ये -1, -2, -3 इस तरह से बढ़ता जाता है, तो और आप जानते हैं जो कि इधर की ओर जो होगा स्थिति में वो पीछे वाले से बड़ी संख्या होगी, और इधर की ओर यदि होगा तो दाई ओर या बाई मतलब दाई ओर हुआ, दाई ओर जाने पे बढ़ता है और बाई ओर जाने पे घटता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कि -2 जो है -3 से बड़ी है, -5 तो 2 से बड़ी है, लेकिन -5 -2 से बड़ी है, छोटी है। अब हम क्या इसमें दिया हुआ है,
जो इसलिए पूर्णांकों को निम्न रूप से लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए पहले लिखा जाता है -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, तो यानी ये बड़ी संख्या है, आगे की ओर बड़ी संख्या। अब याद रखने की चीज़ें हैं, सभी धनात्मक पूर्णांक सभी ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ी होती है। पहला है सभी धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ी होती है। जीरो न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक है। जैसे हम संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर जाते हैं तो पूर्णांक का मान बड़ा हो जाता है, और जैसे ही हम शून्य के दाईं बाईं ओर जाते हैं तो कम होता जाता है, और प्लस पूर्णांक जो होगा सभी माइनस पूर्णांक से ज़्यादा। जीरो प्लस पूर्णांक से बड़ा होगा, जीरो माइनस पूर्णांक से बड़ी होगा, जीरो जो है सभी प्लस पूर्णांक से छोटा होगा। इधर मतलब ये जो मुँह जिधर की ओर खुला हुआ है वो उसको कहते हैं बड़ी संख्या, इधर गोदी कर दी तो ये बड़ी होगा, तो यानी कह सकते हैं ये बड़ी है ये छोटी है। ठीक है, तो अब हम संख्या रेखा के बाद आपको ये सवाल दिया गया है करने के लिए, कहता है इसमें बड़ी संख्याओं पर गोला लगाइए। चार ऑप्शन दिया है, मतलब इसमें कौन सी बड़ी संख्या है उस पे गोला लगाना है। पहले में दो बड़ी संख्या है, दो पे गोला लगा, इसमें जीरो बड़ी है, इसमें प्लस तीन है, इसमें प्लस छः है। ठीक है, अब ये कह रहा है ये लगाना है आपको, तो जो बड़ी है जीरो बड़ी है सभी इससे, तो ये लगाएंगे माइनस 60 ये है, तो इस तरह से आपको लगाना है। इसको बढ़ते क्रम में घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में जानते हैं जो बड़ी संख्या है उसको बाद में छोटी संख्या से शुरू करते, तो इसमें सबसे छोटी संख्या एक करके दिखाते, तो सब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सा है -8, तो सबसे पहले -8 लिखे, उसके बाद -4 लिखे, उसके बाद जीरो होगा, उसके बाद चार होगा, और उसके बाद छः होगा, इस तरह से लिखेंगे, और इसी का उल्टा क्रम होता है घटते क्रम में लिखना। तो दूसरी वाले करके दिखा देते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें लेंगे घटते क्रम में, पहले हम 69 लेंगे, 69, फिर उससे छोटी क्या है 64, फिर उससे छोटी क्या है 28, फिर 28, फिर उसके बाद क्या आएगा -42 -75, तो इस तरह से करके आप भेजें। धन्यवाद।